हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निधि और पॉजिटिव आशा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बिल्कुल आसान और झटपट से बन जाने वाली बहुत ही हेल्दी रेसिपी, पनीर के पराठे। ये रेसिपी थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि हम इसे बनाएंगे बहुत सारी हरी सब्जियों के साथ। आमतौर से छोटे बच्चे जो होते हैं वो सब्जियां खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं, तो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, इसे एक बार खाने के बाद आपके बच्चे इसे मांग मांग कर खाएंगे, उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो आइए चलिए बनाते हैं पनीर के पराठे मेरे स्टाइल में मेरे साथ। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 2.5 कप होममेड पनीर। आप यहाँ पर रेडीमेड पनीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको बस इसे ग्रेट कर लेना है। इसके बाद मैं ले रही हूँ फाइनली चॉप्ड अनियन, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फाइनली चॉप्ड कैरेट, कटे हुए हरे धनिए के पत्ते, 2 चम्मच कुटी हुई अदरक, फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम एंड 4 चम्मच ओट्स। जी हाँ, ओट्स। इसके बाद हम एक कढ़ाई लेंगे और उसे गैस पर रखकर गैस को ऑन कर लेंगे। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 2 से 3 चम्मच मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब बारी आती है ऐड करने की 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मेथी दानों को क्रश करके मैंने इसमें डाल दिया है, 1/2 चम्मच हींग। इसे मिलाकर थोड़ा हिला लेंगे और अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियंस को, इसे हम चलाते रहेंगे, हमें इसे अच्छी तरह से पकाना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुटी हुई अदरक, ये देखिए इस तरीके से। इसे भी अच्छी तरह से चलाकर हम इसे भून लेंगे। अब बारी आती है इसमें नमक ऐड करने की। यहां पर मैं 2 से 3 चम्मच नमक ऐड कर रही हूं। नमक ऐड करने के बाद ये अपना पानी रिलीज करने लगेगा और हमारे अनियंस बहुत जल्दी पक जाएंगे। यहाँ ध्यान रखना है, हमें अनियंस को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए ये अपना कलर चेंज करने लगा है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड कैरेट ताकि ये अनियन के साथ अच्छी तरह से भून जाए। इसे भी हम चलाकर अच्छी तरह से पकाएंगे, कुक करेंगे और इस पॉइंट पे ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड कैप्सिकम, जी हाँ शिमला मिर्च। देखिए ये कितना कलरफुल लग रहा है ना। और इतनी सारी सब्जियां जब हमारे बच्चे खाएंगे तो हेल्दी बनेंगे। इसके बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढकेंगे, वापस लिड को ओपन करके देखेंगे कि सब्जियों का क्या हाल है। सब्जियां बहुत अच्छी लग रही हैं, अच्छे से कुक हो रही हैं। इसके बाद इसे वापस से हम लिड हटाकर एक बार फिर से चलाएंगे और अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़े से सूखे मसाले, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 से 2 चम्मच 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और
एक चम्मच अजवाइन जिसे मैं मसलकर हाथों से इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका स्वाद और निखर जाए। 2 चम्मच किचन किंग मसाला पाउडर और इसे मिलाकर हम अच्छी तरह से हिला लेंगे ताकि हमारे सूखे मसाले अच्छी तरह से भुन जाएं, सब्जियों के साथ मिलकर एक सार हो जाएं। ये देखिए मसाले कितने अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब इसमें आती है बारी ओट्स को ऐड करने की। ओट्स भी डालकर हम अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, इसे लगातार चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना सुंदर रंग आया है। और इस पॉइंट पर हम यहाँ पर इसमें 1 चम्मच कस्तूरी मेथी ऐड करेंगे, उसे भी मिलाकर चलाएंगे। और अब बारी आती है 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को ऐड करने की। इससे क्या होगा, इससे इसका रंग और स्वाद दोनों निखर कर आएगा। ये देखिए सब्जियाँ अच्छी तरह से पक चुकी हैं, परफेक्ट। अच्छी लग रही है ना। इसके बाद हम इसमें जो होममेड पनीर मैंने बनाया था वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद अब गैस को बंद कर देंगे। ध्यान रखना है जैसे ही पनीर मिलाएंगे गैस को बंद कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाएंगे, अच्छी तरह से मिलाएंगे। और जो हमने हरे धनिये के पत्ते काट के रखे थे ना उसे इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितने कलरफुल लग रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। खाने में तो लाजवाब हैं ही, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। सी फ्रेंड्स, आवर पनीर स्टफिंग इज परफेक्टली रेडी। इसके बाद हम यहाँ पराठों के लिए आटा तैयार करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 कप आटा, होल व्हीट आटा। ये 1 और 1 ये 2। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका डो बनाएंगे। हल्के हल्के हाथों से मिलाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि पानी हमें एक बार में ही नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। और इसे जितना ज़्यादा हाथों से मलेंगे हमारा आटा उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट और नरम तैयार होगा। ये देखिए मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है और बढ़िया आटे का डो तैयार करना है ताकि टेस्टी पराठे जो बनाने हैं। दोनों हाथों से हमें खूब इसको मलना है, मल मल के इसे तैयार करना है। याद रखिए आटा जितना ज़्यादा आप गूंथेंगे हमारे आटे का डो उतना ही ज़्यादा नरम होगा, पराठे उतने ही सॉफ्ट बनेंगे, अच्छी तरह से फूलेंगे। ये देखिए ये ऑलमोस्ट हो चुका है। और अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा घी लेकर आटों के ऊपर अच्छी तरह से लपेट के एक बार इसको फिर से हम मिला देंगे। ये देखिए और इसके बाद इसके वापस से गोले बना देंगे ठीक इस तरह से। ये देखिए हमारा डो न ज़्यादा हार्ड है न ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसे हम ढककर रेस्ट होने के लिए 10 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम पराठों के साथ सर्व करने के लिए रायता बनाएंगे। रायता बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कटोरी बूंदी और उसे मैंने गर्म पानी में डालकर रख दिया है। यहाँ पर मैं 4 बड़े चम्मच होममेड दही ले रही हूँ, उसे अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी नमक स्वाद के अनुसार। मैं यहाँ 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच हिमालयन पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। ये देखिए इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब बारी आती है थोड़े से सूखे मसाले ऐड करने की। यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीरा और गोल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर और इसे अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। 1 चम्मच चीनी मिलाएंगे और वापस से अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे।
इसके बाद हमने जो बूंदी पानी में भिगो कर रखी थी उसे इसमें ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ये लीजिए हमारा रायता बिल्कुल रेडी है। अब हम पराठों को बनाना शुरू करेंगे। आटे को चेक करेंगे, ये बिल्कुल तैयार है। आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे, उसके पेड़े तैयार करेंगे और इसे सूखे आटे में लपेट कर हम इसे अच्छे से फैलाएंगे हल्के हाथों से। ये देखिए इस तरीके से। अब इसमें हम स्टफिंग को फिल करेंगे और इसे बहुत जल्दीबाजी में नहीं, आराम से धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमाएंगे और उसे स्टफिंग को बीच में दबा देंगे ताकि इसका हमें मुंह अच्छी तरह से बंद करना है। बचे हुए आटे को घुमाते हुए निकाल लेंगे और उसे फोल्ड करके दबाकर अब हम इसे बेलना शुरू करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और चारों तरफ से थोड़ा सा टैप करते हुए हल्के हल्के हाथों से इसे घुमाएंगे। अब हम इस पराठे को तवे पर रख देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम टू लो रहेगी और इसे पहले एक तरफ से अच्छी तरह से पकाएंगे और फिर दूसरी तरफ से पलटकर इसे दूसरी साइड से भी पकाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना है जब पराठा हमारा दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा इस तरह से इस पॉइंट पे हमें घी लगाना शुरू करना है। ये देखिए ठीक इस तरीके से दोनों साइड से हम अच्छे तरह से घी लगाएंगे और आप देखेंगे हमारा पराठा बिल्कुल फूलना शुरू हो चुका है और कितना सुंदर रंग आया है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। घुमा घुमा कर इसे किनारों से हल्का हल्का दबाते हुए इसे पका लेंगे ताकि पराठे किनारों से कहीं कच्चे ना रह जाएं। बिल्कुल इस तरीके से। पराठा तैयार हो चुका है। अब हम इसे एक हॉट पॉट में निकाल लेंगे। ठीक सेम प्रोसेस फॉलो करते हुए हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं मैंने सेम प्रोसेस फॉलो किया है। आराम से करेंगे, हल्के हाथों से करेंगे ताकि हमारे पराठे किनारों से कहीं फट ना जाएं। ये निकाल लिया हमने, इसको फोल्ड किया और वापस हल्के हाथों से टैप करके दबाकर इसे सूखे आटे में लपेट कर वापस से हम बेल लेंगे। इसकी रोटी तैयार हो गई। और इसे तवे पे डालकर हम सेक लेंगे। देखिए तैयार है हमारा दूसरा पराठा भी और अब बारी आती है प्लेटिंग की। अब मैं यहाँ रायता सर्व कर रही हूँ और ये पराठों के साथ बहुत ही यम्मी लगता है। थोड़े से हरे धनिए के पत्ते से गार्निशिंग कर देंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत हेल्दी लग रहे हैं पराठे। हेल्दी तो है ही, खाने में बहुत यम्मी भी हैं। फ्रेंड्स देखा ना आपने इसे बनाना कितना आसान है। तो आप भी इसे अपने किचन में बनाइए, खाइए और खिलाइए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई और अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी पॉजिटिव।